जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन लगने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम एक एक हिंदी भी बताते चलेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक ऐसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, मतलब हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा, एज द चीफ वेपन, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश टू लिबरेट इंडिया, ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है, लिबरेट इंडिया, भारत को आजादी के लिए। इन दिस एसे महात्मा गांधी एक्सप्रेसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस एसे में महात्मा गांधी बताते हैं भारतीय कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं के बारे में। ही बिलीव्स दैट, उन्हें विश्वास है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज यूनिक, कि भारतीय सभ्यता अनोखा है। एंड द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज डेवलप्ड इज अनबीटेबल इन द वर्ल्ड, और जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है वो अविजय है, मतलब अनबीटेबल है, किसी से भी वो हार नहीं सकता है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इलेवेट द मोरल वैल्यू ऑफ लाइफ, वो बताते हैं कि भारतीय सभ्यता बढ़ाता है किसको, मोरल बींग को, ऑफ लाइफ, जीवन के नैतिकता को बढ़ावा देता है। आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इवन लिविंग इन स्मॉल विलेजेस, हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे और खुश थे, यहाँ तक कि वो छोटे गांव में रहकर भी क्या थे, खुश थे, क्योंकि दे डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू लग्जरी एंड फिजिकल प्लेजर, क्योंकि वो उन्हें विलासिता भरा जीवन, मतलब वो महत्वपूर्ण जीवन पसंद नहीं था, एंड फिजिकल प्लेजर, फिजिकल मतलब शारीरिक आनंददायक। गांधी जी बिलीव दैट फिजिकल कम्फर्ट एंड लग्जरी टू ए सर्टेन लेवल इज फाइन, महात्मा गांधी कहते हैं कि एक निश्चित शारीरिक कंफर्ट एंड लग्जरी टू ए सर्टेन लेवल, एक निश्चित स्तर पर बढ़िया है, बट वी शुड नॉट गेट यूज टू देम, बट हमें इसे ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए, मतलब ज़्यादा आराम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन द एशे गांधी जी इज नेवर प्रेजुडाइज्ड अबाउट अदर सिविलाइजेशन, मतलब इस ऐसे में महात्मा गांधी कभी भी दूसरे सभ्यता से हमें सीखने को नहीं कहते हैं, ठीक है। ही इम्फेसाइज्ड द इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद इंडियन सिविलाइजेशन, वो दूसरे सभ्यता पर जैसे वेस्टर्न सभ्यता के चीज़ों को प्रतिबंध करते हैं भारतीय सभ्यताओं से, मतलब वो नहीं बताते हैं हम लोग से, वो कहना चाहते हैं कि हम लोग वेस्टर्न की सभ्यता से बचे, उसके यूजेज से बचे, प्रयोग से बचे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी सिविलाइजेशन इज ए पाथ दैट लीड्स द पीपुल ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, महात्मा गांधी के अनुसार सिविलाइजेशन इज ए पाथ, सभ्यता एक रास्ता है, दैट जो लीड द पीपुल ऑफ कंट्री टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, जो बताता है उसके कर्तव्य के लिए। गांधी जी मेंशंस सम फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी कुछ भारतीय फीचर्स के बारे में बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मतलब एक साधारण जीवन और उच्च विचार, लिव एंड लेट लिव, और कहते हैं कि जियो और जीनो जीने दो। ही पॉइंट्स टू मोरल एलिवेशन एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन एज ट्रू हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड, ही पॉइंट्स टू, वो बताते हैं मोरल एलिवेशन, मोरल एलिवेशन मीन्स नैतिक के बढ़ावा देते हैं, नैतिक को, एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन और खुद पर विश्वास,
as true happiness of mankind. मनुष्य की यही सबसे बड़ी संतुष्टि है कि हम खुद पर विश्वास करें. He believes that वो विश्वास करते हैं the human mind is like a restless bird. वो विश्वास करते हैं, वो मान लेते हैं कि ह्यूमन का जो माइंड होता है, मनुष्य का जो दिमाग है, इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड. वो एक अधीर पक्षी है, विच इज ऑलवेज अनस्टेबल, जो हमेशा अस्थिर रहता है, हमेशा चंचल रहता है. ही बिलीव्स दैट द ह्यूमन माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड विच इज ऑलवेज अनस्टेबल. इट इज नेवर सेटिस्फाइड, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है. He always boycott the accumulation of wealth. In this essay, Gandhiji refused to imitate the Western civilization blindly. इस एसे में गांधीजी refuse, हम लोग को मना करते हैं. Imitate means होता है नकल करना. Imitate the Western civilization blindly, कि हम लोग Western सभ्यता को blindly, मतलब उसको अपनाए नहीं, उसको इमिटेट नहीं करे, उसको नकल नहीं करे. ही सेज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन. वो बताते हैं कि ये ड्यूटी केवल मेरा नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय का है टू फॉलो द हाई आइडियल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. जो उच्च आइडियल्स को, उच्च विचार को मानते हैं भारतीय सिविलाइजेशन यानी सभ्यता. ओके, आज के लिए बस इतना ही. यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.